हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें एक मिनी वॉश बेसिन को फिटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या इसमें फिटिंग्स है। तो देखिए, सबसे पहले वेस्ट कपलिंग दिखाएं, उसके बाद देखिए ये एक नल है और इसके अलावा एक नल और है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो नल लगने वाला है इस वॉश बेसिन में। और देखिए, ये कनेक्शन पाइप है और वाइट सीमेंट भी है, थोड़ा सा लगेगा। टेफ्लॉन टेप भी थोड़ा सा लगेगा। और ये बेसिन बोल्ट जिसमें हमारा वॉश बेसिन फिट होगा। और ये ड्रेन पाइप। तो दोस्तों, यहाँ पर वॉश बेसिन को फिटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले क्या किए हैं कि बेसिन का जो होल पॉइंट है जिसमें हमारा बोल्ट लगने वाला है, उसका मापी लेके वाल में माप दे के मार्किंग कर लिए हैं। उसके बाद इसमें ड्रिलिंग कर लेंगे, ड्रिलिंग करके फिर इसमें बेसिन बोल्ट को लगाएंगे। तो हमारा मापी पूरा एकदम अच्छी तरह से लेना पड़ता है। और इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि ड्रिल करके फिर इसमें पीवीसी का प्लग रहता है, उसको डाल दे रहे हैं। उसके बाद इसमें फिर बोल्ट को कसा जाएगा। तो बोल्ट को सिलाई रेंच के द्वारा से कस सकते हैं। तो दोनों बोल्ट को पूरी अच्छी तरह से कस लेंगे, उसके बाद फिर इसमें वॉश बेसिन को लगाएंगे। दोस्तों, ये हमारा देखिए बीच में दो होल जो दिख रहा है उसमें बेसिन फिट होगा, बाकी दो साइड में नहीं होगा। तो उसी का मापी लिए हैं जिसमें दो बीच में होल है। तो चलिए इसमें पहले लगा लेते हैं, लगा के फिर इसमें बोल्ट को कस लेते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें हमारा हौसला बढ़ता है ताकि और नया से नया वीडियो डालें। तो देखिए दोस्तों, इसमें बोल्ट को कस लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर दो होल और करेंगे, दो ड्रिलिंग और करेंगे, जिसके लिए देखिए बेसिन को लगा लिए हैं। उसके बाद इसमें पेंसिल से चिन्ह दे देंगे, वहाँ पर दो होल होगा, फिर बेसिन को इसको फिर से खोल देंगे। दोस्तों, ये हमारा एक्स्ट्रा फिटिंग होने वाला है इसमें, क्योंकि इसका पेडेस्टल नहीं लगेगा, जिसके चलते से हमको दो छेदा और एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी रहे। तो देखिए, इसमें होल कर दे रहे हैं। होल करके इसमें क्या करेंगे कि दो रड का एंगल हुक बना के इसमें खोस देंगे, ताकि हमारा इसमें वॉश बेसिन लटक जाए, एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से एंगल होल को, एंगल बोल्ट को लगा दिए हैं। अब बारी आता है बेसिन में फिटिंग करने का। तो सबसे पहले क्या किए हैं कि वाइट सीमेंट थोड़ा सा लिए हैं, उसको सान लिए हैं। और सानने के बाद देखिए, वेस्ट कपलिंग जो रहता है उसको खोल लिए हैं, उसमें एक वाशर भी रहता है। तो वेस्ट कपलिंग में वाइट सीमेंट को लगा ले रहे हैं। लगाने के बाद इसमें क्या होता है कि पानी लीकेज नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, लीक नहीं होगा। तो इसमें वाइट सीमेंट लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए, इसमें बेसिन में लगा के फिर इसमें वाशर को लगाएंगे, नीचे से लगाएंगे, ऊपर से नहीं। क्योंकि वाशर बहुत लोग ऐसा क्या करता है कि ऊपर से लगा देता है बेसिन के ऊपर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट कपलिंग फिर ऊपर हो जाएगा। तो नीचे से वाशर लगेगा, फिर उसको उसके साथ एक रात पीवीसी का बोल्ट नट आता है, आप नट समझ लीजिए उसको, उससे कस देंगे पूरी अच्छी तरह से टाइट एकदम। अब इसमें नल लगाएंगे। देखिए, बीच में होल रहता है नल लगाने के लिए, किसी किसी बेसिन में होल नहीं रहता है तो होल करना भी पड़ता है, उसका मतलब जगह रहता है होल करने के लिए। तो इसमें नल लगा के पूरी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अगर आपके पास इसके साइज का अगर पाना होगा तो पाना से भी कर सकते हैं, 23-24 नंबर से, या फिर आप तोता प्लास हम रखे हैं, तोता प्लास से इसको हम टाइट कर लेंगे फुल टाइट। दोस्तों, वॉश बेसिन बहुत तरह का आता है, काउंटर बेसिन, टेबल टॉप बेसिन, पेडेस्टल बेसिन, हाफ पेडेस्टल बेसिन,
मिनी बेसिन। तो ये हमारा मिनी वाश बेसिन लग रहा है, क्योंकि वहाँ जगह बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है, इसलिए मिनी वाश बेसिन को लगाना पड़ रहा है, वरना बड़ा ही लगाते। तो इसको देखिए पूरा फुल टाइट कर दे रहे हैं, ताकि हमारा फिर बाद में लूज ना हो, और उसी में हमारा 2 फीट का कनेक्शन पाइप लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 2 फीट का कनेक्शन पाइप है, इसका मोटापा 1/2 इंची बोल सकते हैं। एक नल हमारा इसमें लग गया, अब बारी आता है दूसरा नल। दूसरा नल कहाँ लगेगा चलिए बताते हैं। तो हमारा यहाँ देखिए 2 नल वाल में लगा हुआ है, जिसमें से एक नल को खोल देंगे। जी हाँ, एक नल को खुलेगा, और एक नल जो दिख रहा है उसमें गर्म पानी आता है गीजर से, और जिस नल को खोले हैं उसमें ठंडा पानी आता है। तो चलिए इसमें नया नल को लगा लेते हैं। नया नल लगाना ज़रूरी इसलिए पड़ रहा है कि इसमें हमारा वाश बेसिन कनेक्शन होगा, पुराना वाला में नहीं होगा, क्योंकि ये 2-in-1 नल है। इसमें हमारा 2 सिस्टम काम करेगा इसमें। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, उसके बाद वाश बेसिन को फिट करेंगे। ये हमारा नल लग गया। तो इसमें देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें 2 सिस्टम है। अब चलिए वाश बेसिन को भी इसमें फिट कर लेते हैं। इसमें हमारा 1 फिटिंग्स और होने वाला है, उसको लास्ट में फिटिंग करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले बॉल्ट में जो पीवीसी वाशर रहता है उसको लगा दे रहे हैं, ताकि हमारा वाश बेसिन क्रैक ना हो। अगर बिना पीवीसी वाशर का लगाए हुए टाइट करेंगे तो क्रैक होने का चांसेस हो जाता है। उसके बाद एक एसएस वाशर रहता है, एसएस वाशर को लगा देंगे, फिर उसके बाद इसमें नट को लगा देंगे। तो नट हमारा भी 2 रहेगा, 2 बोल्ट 2 नट रहेगा। तो इसमें इसको स्लाइड रेंच से कस लेंगे हम, ऐसा टाइट करेंगे कि हिलेगा नहीं। और ऐसे भी तो मेरा इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी हुआ है, जो एंगल बोल्ट लगा हुआ है वो हमारा एक्स्ट्रा सेफ्टी हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें जो वाइट सीमेंट लगाए थे तो उसको सफाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सूख गया है इसमें वाइट सीमेंट। सफाई करके उसके बाद फिर इसमें कनेक्शन पाइप को जिस नल में लगा हुआ है, वाल नल नया लगाए उसमें कनेक्शन करेंगे। देखिए ये हमारा नल के नीचे लगेगा, वहाँ पर इसका सिस्टम दिया हुआ रहता है 2-in-1 में। तो देखिए इसमें पानी हमारा आ गया, प्रेशर भी बहुत अच्छा है। अब इसमें देखिए जो फिटिंग बोले थे यही हो लगेगा वेस्ट पाइप, आप इसको ड्रेन पाइप भी बोल सकते हैं, वेस्ट पाइप भी बोल सकते हैं, होस पाइप भी बोल सकते हैं, जगह जगह पर अपना अपना भाषा है, जो भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये स्प्रिंग टाइप का फ्लेक्सिबल पाइप है, आप इसको खींच के लंबा भी कर सकते हैं। देखिए जितना इसका कैपेसिटी रहता है उतना आप लंबा करके कर लगा सकते हैं। तो ये हमारा देखिए वाश बेसिन फुल कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर वाश बेसिन फिटिंग करना आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।